तो दल्ला है दल्ला। मैं जो पूछूंगा उसका सही जवाब देना। क्या देखा? आग। तूने लगाई? नहीं। और आवाज आई? आई। क्या बोला? भाग भाग हनीफ भाग। और तो हनीफ है। मेरा नाम हनीफ है। Well, friends, and welcome to another episode of Bollywood This Week. Blank. In the times of web series, जहाँ पर web series, you know, rule कर रही है digital platforms, web series usually आप free के भाव में देख सकते हो, चाहे वो Amazon हो, Netflix हो, Hotstar हो, you know, even Z5 ले लो, various platforms जो आपके मोबाइल में आपके हाथ में हो, जहां पर वेब सीरीज आपको यू नो फिल्म से बेहतर कंटेंट देती है, वहां पर एक ऐसी फिल्म आई है जो हमारे सामने डायरेक्टेड बाय मिस्टर खंबाटा कॉल्ड एज ब्लैंक। ब्लैंक स्टार्स वन ऑफ द मोस्ट ब्लैंकेस्ट न्यू कमर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा मिस्टर करण कपाड़िया। ऑब्वियसली ही हैज डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार यू नो सपोर्टिंग हिम अलॉन्ग विद 2.5 किलो का हाथ सनी देओल। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपके प्रोडिजी में टैलेंट ही ना हो तब आप ऐसी फिल्म को बचाने में ना कामयाब रहते हैं। ब्लैंक के इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, स्क्रिप्ट इस फिल्म की अच्छी हो सकती थी। जिस नेक तरीके से इस फिल्म को लिखा गया, जो मैसेज फिल्म देना चाहती थी, आई एम वेरी श्योर इस फिल्म का जो डायरेक्टर था वो आई थिंक अ वेडनेसडे का बहुत ही बड़ा फैन रहा होगा, इसीलिए उसने फिल्म बनाई जिसका नाम था ब्लैंक। लेकिन मेरा भाई, जब आपकी ये फीचर फिल्म यू नो वेब सीरीज की तरह लगे तब अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट हैविंग Yes, मेरा भाई, this is the most funniest part of this film. Despite Behzad Khambhata, the director of this film, having 7 assistant directors, भाई तूने क्या काम किया फिल्म में? तेरे पास 7 assistant directors थे। This film could not be saved. And guys, let me tell you one thing. इस फिल्म की ड्यूरेशन सिर्फ 1 hour 45-46 minutes होगी, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले इतना स्ट्रेच रखता है। इस फिल्म का जो मेन मजा आता है वो इसके अंत के 20 मिनट में आता है। यस मेरा भाई, और अगर ये फिल्म थोड़ी भी वॉचेबल बनती है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सनी देओल। सनी देओल थ्रोज इन अ मैसिव पंच इन दिस मूवी। उनको जिस तरह से यहाँ पे मिस्टर दीवान बनाया गया है, एटीएस का चीफ, ही लुक्स गुड, ही फाइट्स मैसिवली। एंड गाइस, इस फिल्म में एक फार डायलॉग है सनी देओल का, जो बोलता है तू दल्ला है दल्ला, वो तो पूरा थिएटर में पब्लिक लोग ने ताली सीटी मारा। एंड क्लाइमैक्स में तो सनी यू नो सनी जी अपने हाथ में यू नो कुरान लेकर जाते हैं, दैट सीन इज सुपर्ब। यू नो एक सीन है यहाँ पर, यू नो आई एम नॉट गिविंग अ स्पॉइलर्स, यहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर फायरिंग होती है, जो सनी देओल उसमें एक्शन करता है। सॉल्ट पैन के सीन्स है यहाँ पर, फायरिंग होती है वहां पर सनी जो एक्शन करता है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दूसरा इंसान जो इस फिल्म को बचाता है वो है खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार। एंड में जब गाना आता है अली 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 अल्लाह मालिक तू दे दीदार दे, सुपर्ब सॉन्ग। अक्षय कुमार लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्टार पावर ऑफ अक्की एंड सनी पाजी मेक्स ब्लैंक अ वॉचेबल अफेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपका घोड़ा ही लंगड़ा हो तो फिल्म भी लंगड़ी होती है मेरा भाई। करण कपाड़िया डिसअपॉइंट्स मैसिवली। सबसे पहली बात तो कमिंग फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, ही शुड हैव नोन अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन। उनकी वॉइस बहुत ही बचकानी लगती है, ऐसा लगता है यू नो कि 15-16 साल हो गए, बच्चा स्कूल में बात कर रहा है। ही इज एक्सप्रेशनलेस। अब आप बोलोगे यार वो टेररिस्ट बना है पिक्चर में, उसको एकदम स्ट्रिक रहना है पिक्चर में, भाई अजय देवगन कयामत में ऐसा स्टंट फेस रखा था, लेकिन उस स्टंट फेस में भी जो इमोशन उसके खुल कर आए थे उसने सामने वालों के दिल पिघला दिए। करण कपाड़िया डज द ऑपोजिट। एंड गाइस, जो कहते हैं ना, जब आपकी फिल्म का नाम ब्लैंक हो तो कोशिश मत करना कि ऑडियंस की शक्ल पे भी ब्लैंक दिखाई दे, लेकिन जब ऑडियंस थिएटर से बाहर जाती है तो वो ब्लैंक रहती है। एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 20-25 seconds अक्षय कुमार सॉन्ग्स कम, लेकिन उसके बाद यू नो अंदर ऑडियंस रहती है, उनको पता भी नहीं गाना, सब चली जाती है। मैं खुद अकेले यू नो जो लोग झाड़ू मार रहे थे ना थिएटर में, उनके साथ बैठ के वो गाना देखा, लेकिन गाना काफी अच्छा था। तो क्या है फिल्म ब्लैंक ऑल अबाउट? चलिए गाइस, आज के एपिसोड में शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है गाइस किस तरह से, एक बहुत बड़ा यू नो बैरन लैंड दिखाया जाता है जो कि एक सॉल्ट पैन है। वहां पर सनी देओल यू नो एक इंसान को सामने बिठा कर रखा है। द पर्सन इन क्वेश्चन इज नॉट अदर देन करण कपाड़िया। करण कपाड़िया के हाथ बंधे हुए हैं, उसको हथकड़ी लगा दी
गई है उसके हाथ में एंड सनी देओल सामने से खड़ा है, किसी से बात कर रहा है, उसको एक स्नाइपर शॉट लेना चाहता है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द मूवी। एंड वहां से जो करण कपाड़िया चिल्लाता है, दैट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। आई मीन करण कपाड़िया ने जिस तरह से स्टार्टिंग में चीख मारी है, मुझे लिटरली स्पीकिंग बिपाशा बसु जो राज में चीख मारी थी, मैंने वही थिएटर में राज भी देखी थी जब मैं ऑलमोस्ट छोटा था, ये थिएटर में जाके मैंने सेम फिल्म देखी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। वहां उसके मुंह भी कटे हुए थे, इसके मुंह भी कटे हुए थे। करण पटेल, करण कपाड़िया वॉज अ मिजरी सीरियसली इन दैट सीन। वहां से फिल्म की शुरुआत होती है। अब गाइस यहां पर हमें पता चलता है कि आरडीएक्स से ज्यादा खतरनाक HMX नाम का कोई नया कारतूस आया है और 25 ग्राम इनको मिला है। सनी देओल इस दीवान जो कि ATS के चीफ रहते हैं। अब गाइस सनी देओल को यहाँ पे सबसे कॉमेडी बात, आई मीन प्रोड्यूसर, तो मतलब ये तो बोलना बहुत जरूरी पड़ेगा, इस फिल्म का प्रोड्यूसर है IsMyTrip.com। कैन यू बिलीव इट? एंड उसने अपनी ब्रांडिंग की इतनी वाट लगा दी। IsMyTrip.com के ऑफिस में टेररिस्ट अंडरग्राउंड रहते हैं। आई मीन थोड़ा सा सेंस होता था उस बोर्ड से अपना नाम हटा देना था, लेकिन वहां भी उनको अपनी ब्रांडिंग गई तेल लेने। एंड गाइस यहाँ प्रोड्यूसर को जरा नहीं लगा कि सनी देओल इज एन ए लिस्ट एक्टर, उसे एक जूनियर आर्टिस्ट उसकी बीवी बना के दे दी यहाँ पे। वो आंटी जो हर फिल्म में पड़ोसी बनती है ना, अरे थोड़ा अदरक दे दो, थोड़ा अचार दे दो, वो इसमें सनी की बीवी है। सनी देओल कैरेक्टर रिटन वेरी बैडली एंड वेरी शॉडीली। यहाँ पर उनका एक बेटा है जो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है और सनी देओल उसे कहता है आपको जो सही लगता है आप करो, और उसके बेटे को भी वो पकड़वा देता है। यहाँ पे गाइस सनी देओल की बात करें तो यहाँ पे उनको विग जो दिया है वो बहुत ही पैची है, उन्होंने भी US पोलो के शर्ट्स पहने हुए है, ड्रेस काफी डिसेंट दिया सनी देओल को, लेकिन उनका जो हेयर जॉब किया है जिसने भी बहुत ही फ्लैट लगता है। वहां से कहानी आगे बढ़ती है गाइस यहाँ पे, और यहाँ पर 60 असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी वो कमाल नहीं कर पाते जो डायरेक्टर कर सकता था। यहाँ पर स्टार्टिंग का जो गाना है उसका नाम है बेटा वार्निंग नहीं दूंगा, जहाँ पे करण पटेल अपने आप, करण पटेल क्यों आ रहे मुझसे, दैट्स अनदर इरिटेटिंग कैरेक्टर। यहाँ पे करण कपाड़िया, उसका नाम करण रखते हैं, करण मास्क हुडी पहन के अपने आपको टॉम क्रूज समझ रहा है, यू नो गोस्ट प्रोटोकॉल का, और चलते जा रहा है। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर करण कपाड़िया को एक जो गाड़ी है वो ठोक देती है। करण कपाड़िया गाड़ी ठोकती है, करण कपाड़िया का दम गिर जाता है, करण कपाड़िया पहुंच जाता है जेल। लेकिन गाइस यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। द एक्शन बाय मिस्टर दहिया कैन बी कॉल्ड हाफ फनी एंड हाफ एक्साइटिंग। हाफ फनी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे एक्शन सीन है जो स्कूल में बच्चे होते ना, ए तो मेरा पेंसिल लिया, मेरा रबर देना, अरे तेरे को मारू क्या, ऐसे मारा मारी में कैसी म्यूजिक बज रही पता है, एवेंजर और जेम्स बॉन्ड की म्यूजिक ऐसे एक्शन सीक्वेंस में फिल्म का डायरेक्टर बजवा रहा है, दैट लुक वेरी सेंसलेस। यहाँ पे वहां से कहानी आगे बढ़ती है गाइस, तो किस तरह से करण कपाड़िया को जिसके छाती पर बॉम्ब मिला है, एक ऐसा बॉम्ब जो उसके दिल की धड़कन से तक तक चलेगा, वो भाई इतना बाहरी लोहा छाती पर लटका कैसे। हाँ, और अभी तुम लोग बोलोगे लटक सकता है रे, ताका मारे तो टेपल लगा लटक सकता है। फिल्म में ऐसे ये चीजें हुई है ना कि बॉम्ब गिरना नहीं, उसकी चमड़ी वमड़ी फट के गिरना था, और जब वो एंड में निकलता भी है ना बॉस, तब उसकी मतलब इतना सा खून नहीं निकलता, इतना सा खून निकलता, दैट इज रिडिकुलस मैन। और करण कपाड़िया इतना बड़ा टेररिस्ट होके भी उस हॉस्पिटल में कोई पुलिस नहीं रहती है। फ्रेंड्स वहां से कहानी आगे बढ़ती है, करण कपाड़िया वहां से भाग जाता है और उसे पुलिस पकड़ने में नाकामयाब होती है। यहाँ पर एक मुल्ला जी रहते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं कि आपको शहादत करनी पड़ेगी, आप शहीद बनो, और इंशाल्लाह चिल्लाती पब्लिक वहां पे, छोटे छोटे बच्चे टेररिस्ट कैंप दिखाया गया है, बच्चे को पूछते बड़े होकर क्या बनोगे, बड़ा बच्चा बोलता है बड़े होकर मैं जिहादी बनूंगा, मैं आतंकवाद करूंगा, वाह 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 वाह। तो ये सब दिखाया गया है इस फिल्म में, और गाइज वहां से कहानी आगे बढ़ती है, और उसके बाद गाइज हमें पता चलता है कि जो विलन है इस फिल्म के, उन्होंने अमेरिका से पैसा लिया है इंडिया पे अटैक करने के लिए। ओके, यहां तक भी कहानी ठीक है, चलो सुन लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे स्लीपर सेल्स है जो यहाँ पे मुंबई में ब्लास्ट करने वाले हैं 25 जगहों पर, और गाइज यहाँ पर सनी देओल करण कपाड़िया से इंट्रोगेशन करता है, एंड गाइज करण कपाड़िया हैज अनफॉर्चुनेटली फॉरगॉटन एवरीथिंग। तो क्या करण कपाड़िया बॉम्बर है या बॉम्बर नहीं, क्या वो बॉम्ब असली में फटेगा या नहीं फटेगा, टेररिस्ट लोग का मिशन कामयाब होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी जाके फिल्म ब्लैंक। अब बात करते हैं गाइस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स की। फिल्म का नेगेटिव पॉइंट है करण पटेल, उसकी डायलॉग, करण कपाड़िया कंट्रोल, करण कपाड़िया उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही खराब है गाइस। कोई कोई सीन में एकदम पूरा चक्रम दिखाया जाता है। एक सीन है सॉल्ट पैन में, उसके हाथ बंधे हुए हैं, आपको चश्मा उतारना पड़ेगा, हाथ बंधे हुए, वो सड़क कैसे दिखता पता, मतलब
ऐसा लगता है सच्ची में पागल खाने से भाग कर आया है। एंड करण कपूर ने एकदम ओवरडन लगता है, सनी देओल बहुत सारे सीन में ग्रम्पी लगता है, चिड़चिड़ा लगता है, वही रोल सनी देओल ने यू नो अपने स्टार्टिंग के फिल्म से किया है वो भी यहाँ करते हुए दिखाई दिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है उनमें। और गाइस बात करें यहाँ पर किस तरह से ये आखिरी फिल्म होगी करण कपाड़िया की, इसके बाद वो कोई फिल्म में मुझे तो नहीं लगता दिखाई देंगे। लेकिन गाइस बात करें फिल्म के प्लस पॉइंट्स की, तो फिल्म के प्लस पॉइंट्स दो सीन है, सॉल्ट पैन का एक एक्शन सीन है, बहुत सारी फायरिंग होती है, सनी देओल खूब गोलियां मारता है, और गाइस ट्रैवल एजेंसी अभी काफी अच्छा है, वो दल्ला वाला डायलॉग वो काफी अच्छा है, एंड में जिस तरह से यहाँ पे बच्चों को आतंकवाद नहीं करना चाहिए उस तरह का एक संदेश है वो भी काफी अच्छा दिखाई दिया है। ऑल इन ऑल क्लाइमैक्स इज लाइक एन वेडनेसडे क्लाइमैक्स, कुछ नया नहीं दिखाती ये फिल्म, यू नो पीपल विल लाइक अरे मजा आ रहा है हमको फिल्म में देख के, ये इट इज वेरी प्रेडिक्टेबल, ऑल इन ऑल अ वेरी बैड अफेयर। अगर आप सनी देओल के फैन हो तो आप जाके इस फिल्म को एक बार देख सकते हो, उसमें सनी देओल ने कोई नया काम नहीं किया है, ही लुक्स डैशिंग, ही लुक्स इफेक्टिव, वही चीज 25 साल से करते हुए आ रहे हैं। अक्षय कुमार का गाना अच्छा है, काफी अच्छा है, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो मैं आपको बताता हूं कौन, तनुश्री दत्ता की बहन वत्सल सेठ की बीवी, उनकी बीवी का नाम भूल गया मैं, कपिल की पिक्चर थी ना फिरंगी, उसकी हीरोइन यहाँ पर एक सरप्राइज देती है क्लाइमैक्स में, जो काफी हिलेरियस अनलॉजिकल लगता है। ऑल इन ऑल गाइस काफी वेरी बैडली मेड फिल्म है, अगर आपके पास फ्री वक्त है, अगर मुफ्त के चिल्लर पैसे तो आप ये फिल्म जाके देख सकते हो। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी बैड अफेयर, आई गिव ब्लैंक 2 out of 5 स्टार्स जस्ट बिकॉज ऑफ सनी एंड द डायरेक्टर्स ऑनेस्टी, ऑनेस्ट स्क्रिप्ट एंड अक्षय कुमार लास्ट सॉन्ग, वो मिस मत करना। ओके साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।